नमस्कार, इन्फिलेस्टिव बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश। जबकि दोस्तों, पिछले दिनों टाइगर श्रॉफ की आने वाली मच अवेटेड फिल्म गणपत का पहला ऑफिशियल टीजर आउट किया गया था, जो कि फैंस द्वारा ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद किया गया। तो इसी कड़ी में दोस्तों, एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ का फिल्म गणपत से नया ऑफिशियल लुक जारी कर दिया गया है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देखेंगे तो टाइगर श्रॉफ का जो फ्रंट लुक सामने आया, जो कि काफी कमाल का है, काफी दमदार, यानी कि दमदार लुक में नजर आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ, जो कि काफी गजब का है। जबकि फिल्म की शूटिंग 2021 से शुरू की जाएगी, साथ ही साथ इस बात का भी रिवील किया गया है। जबकि दोस्तों, ये फिल्म साल 2022 में रिलीज की जाएगी। फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ हमें एक्शन सीन्स बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, हालांकि हम सभी लोग जानते हैं अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की स्टारर मूवी लक्ष्मी ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर स्ट्रीमिंग होना शुरू हो गई, रिलीज हो चुकी है। जबकि दोस्तों, फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग मिली है और फिल्म की जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया रही। तो ऐसे में आज हम फिर से बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की आने वाली एक और नई फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में एक और फिल्म का नाम जुड़ चुका है। तो वैसे मैं आपको बता दें, इंडियन सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर मशहूर डायरेक्टर मुद्दसर अजीर का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने हाल फिलहाल में फिल्म दिया था जिसका नाम था पति पत्नी और वो, जिसमें कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, भूमि पेडनेकर, अनन्या पांडे और भी कई मशहूर कलाकार नजर आए थे। तो वैसे में मुद्दसर अजीज एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान एक बहुत ही गजब की फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस बात पर खुलासा हुआ है कि इस फिल्म में शाहरुख खान की स्पेशल एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लाल सिंह चड्ढा मूवी में शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों, ऐसे में देखते हैं कि शाहरुख खान का क्या किरदार होता है, कौन से बेस पर एंट्री मारते हैं। तो दोस्तों, देखना काफी मजेदार होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, अक्षय कुमार बॉलीवुड के मात्र एक ऐसे स्टार है, मात्र एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी बैक टू बैक फिल्में आती रहती हैं, चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी वक्त हो। तो दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में फिर से बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की आने वाली एक और नई फिल्म के बारे में, जिसका ऑफिशियल लुक जारी कर दिया गया है सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म का टाइटल है राम सेतु। जी हाँ, फिल्म का नाम है राम सेतु, जिसका ऑफिशियल लुक भी जारी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि नए ऑफिशियल लुक में जिसमें अक्षय कुमार का एक नया किरदार हमें देखने को मिलता है, लंबे बाल के साथ, आंखों पर चश्मा लगाए हुए और गजब के स्टाइल में खड़े हैं और शर्ट पहने हुए, जो कि काफी शानदार लग रहे हैं दोस्तों। और जो फिल्म का नाम है राम सेतु, बड़े कमाल के फन स्टाइल में लेटर राइटिंग किया गया है। और दोस्तों, पीछे जो एक राम का चित्र बनाया गया है, जो भगवान प्रभु श्री राम है, जिनकी गजब की तस्वीर हमें देखने को मिलती है, जिसमें हाथ में धनुष और पीठ पर तरकस लिए हुए, जो कि काफी कमाल के लग रहे हैं। तो दोस्तों, सब मिला के बात की जाए तो फिल्म का जो ऑफिशियल लुक रिवील किया गया है, जो कि काफी शानदार और काफी लाजवाब है।